शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है और इस दिन चंद्रमा जो है वह 16 कलाओं से पूर्ण होता है। तो उस दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन आप धन धान्य व दाम्पत्य में मधुरता के लिए ये कुछ मैं टिप्स लेकर के आई हूँ, इनको करना न भूलें। तो शाम के वक्त यह कार्य आप अवश्य से अवश्य करें ताकि अगर आपके जीवन में, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो इससे बहुत ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यह जो रात्रि है यह महारास की रात्रि है, 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की रात्रि है और इस दिन चंद्रमा पृथ्वी पर अमृत बरसाता है और हर कोई चाहेगा कि उस अमृत का पान करें। तो उस अमृत का पान करने के लिए आप इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर धान्य व दाम्पत्य में मधुरता के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से अगर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं या फिर धन की भी कमी है तो इन उपायों को ज़रूर से ज़रूर करें। क्या करना है आपको? तो शाम के समय माँ लक्ष्मी के सामने और घर की दहलीज पर गौ माता यानी कि गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गुलाब के फूलों की माला और इत्र अवश्य ही अर्पित करें माँ लक्ष्मी को, सफ़ेद मिठाई खीर का भोग लगाएं, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मये नमः का जाप एक माला तो ज़रूर करें। अगर आप ये पढ़ नहीं पाएंगे तो इसको आप सुन करके भी यह कार्य आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि जब भी आप कल के लिए शाम के लिए जब खीर बनाएंगे शरद पूर्णिमा के लिए तो स्नान करने के बाद शाम के वक्त ही इस खीर को बनाएं और तभी शाम को भोग लगाएं। ये ध्यान दें कि चंद्रमा की रोशनी में गर्म खीर को न रखें, पहले खीर को ठंडा कर लें, यानी कि संध्या की दियाबाती आप करने के बाद आप खीर बनाना प्रारंभ कर दें और 10 बजे के बाद ही उसे रखना है। तब तक वो शीतल हो जाएगा, जब वो शीतल हो जाएगा तभी आप उसे चंद्रमा की रोशनी में रखें, उसे गर्म वहाँ न रखें। इसके बाद दूसरी बात यह है कि मध्य रात्रि में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित हो जाएं तब उनकी उपासना पूजा करें, जल अर्पित करें, उन्हें अघर्य दें। अगर संभव हो तो यह सारे कार्य आप अपने छत पे जा कर के बालकनी में अवश्य से अवश्य ही करें पूर्ण लाभ के लिए। चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें जब उनको आप अघर्य दे रहे हैं। इसके अलावा खीर को चंद्रमा की रोशनी में किसी छलनी में ढक करके रख दें ताकि मक्खी मच्छर ना पड़े, और खीर को चांदी या फिर मिट्टी के पात्र या फिर कोई भी कटोरी हो तो उसमें रखेंगे और सुबह जल्द से जल्द इस खीर का सेवन करें। सूर्योदय से पहले अगर आप खीर को खा लेते हैं तो अति उत्तम है, वरना कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उसको बाद में भी खा, लेकिन कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले यह कार्य हो जाना चाहिए, तभी उस खीर में जो आपको अमृत पान मिलेगा वो मिल जाएगा, उसका फल बहुत अति उत्तम मिलेगा सूर्योदय से पहले अगर यह कार्य होता है तो। शरद पूर्णिमा की तिथि जीवन के प्रेम पक्ष के लिए भी सबसे उत्तम मानी जाती है। दोस्तों, केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी तिथि को महारास के लिए चुना था और यानी कि महारास रचाया था। महारास होता क्या है? तो दोस्तों, महारास ये होता है कि जब श्री कृष्ण अपने जितने भी उनकी गोपियां हैं वो उनके साथ हों, मतलब सभी को ऐसा लगेगा कि हर एक गोपी के साथ कान्हा उनके साथ, ये था महाराज की लीला, यानी कि 16 कलाओं से पूर्ण होने की वजह से ऐसा संभव हुआ था, हर गोपी के साथ कान्हा का एक एक अलग रूप था, तो ये था महाराज। और कहते हैं कि इस रात चंद्रमा की किरणें से अमृत वर्षा होती है जो आपको मन चाहे प्रेम का वरदान भी देता है। तो चंद्रमा की जो रोशनी है अपने आज के दिन पति पत्नी व परिवार के सदस्यों को कुछ देर तक ज़रूर बैठना चाहिए। तो दोस्तों,
आप ज़रूर करें, अपने बच्चों को भी बैठाएं, खुद भी बैठें, फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उन्हें चंद्र दर्शन कराएं चंद्र की रोशनी में, यानी कि संभव हो तो जब पूर्ण रूप से अमृत वर्षा शुरू हो, जब वो एक्चुअल अपने टाइम पे जब आएँ चंद्रमा, तब आप वहाँ पे बैठ करके दर्शन करें, तब आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।